हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक और नए रेसिपी के साथ आ गई हूँ आप लोगों के साथ। और आज मैं जा रही हूँ रक्षाबंधन का ही एक स्पेशल स्वीट्स बनाने। और मैं बता रही हूँ आपको, गुलाब जामुन मैं बनाने जा रही हूँ, जो मैं मावा और पनीर से घर का बनाया हुआ पनीर है, मतलब ये छेना मैंने निकाल लिया और ये मावा है। आपने मेरा वीडियो देखा था ना, जिस तरह से छेना निकालना है वैसे ही मैंने छेना निकाल लिया है। और आइए मैं बताएं इसे कैसे बनाना है। और इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी मैंने चीनी लिया है, और एक कटोरी से थोड़ी ज्यादा मावा है और छेना है एक कटोरी लगभग, और मैदा मैंने आधे कटोरी लिया है, लेकिन जरूरत इतना नहीं पड़ेगा मैदे का। और पिस्ता मैंने लिया है, और केसर के कुछ ले लिया मैंने, थोड़ी सी केसर, और एक कटोरी मैंने देसी घी लिया। आप चाहें तो इसे रिफाइंड में भी बना सकते हैं। और ये देखिए, अमूल गोल्ड मैंने दूध लिया है, ये फुल क्रीम है, इसी से मैंने मावा बनाया है। 1.5 केजी दूध में मैंने ये कटोरी के लगभग मैंने मावा बनाया है, कटोरी से थोड़ी सी ज्यादा है। और गाय के दूध से मैंने छेना निकाला है, 1 केजी दूध में मैंने इतना छेना निकाला है, एक कटोरी छेना। सबसे पहले हम लोग एक थाली लेंगे, बड़ा सा परात जैसा, जिसमें हम लोगों को मावा डाल लेना है और पनीर, और इसको हम लोग मसलेंगे। कुछ इस तरह से हमें मसलना है, अलग अलग पहले मसलिएगा, बाद में छेना डालिएगा। कुछ इस तरह से हम लोग इसे मिक्स करके मसलेंगे। इसको जितना आप लोग मसलिएगा एकदम स्मूथ हो जाएगा, तभी अच्छा बनेगा। और इसे ऐसे ही मसलना है। बहुत लोग कहते हैं कि मिक्सर में कर दें, लेकिन नहीं, उसमें खराब हो जाएगा। हाथ से ही इसे मसलना है, ऐसे रगड़ रगड़ के मसलिएगा। और इसमें हम लोग, अब देखिए इतना हो गया है, अभी हम लोग मैदा थोड़ा सा डाल के और मसलेंगे। थोड़ा सा डालिएगा, ज्यादा नहीं डालना है। और देखिए हम लोग ऐसे मसल लिए हैं, और अब इसे हम लोग देखेंगे गोला बना के कि फट तो नहीं रहा है। अगर फट रहा होगा तो दोबारा से हम लोग को फिर से मसलना होगा थोड़ा सा मैदा डाल के। अभी देखिए क्रेक हो रहा है, अभी और मसलना होगा। और देखिए हमारा डो तैयार हो गया है, इसे दिखाते हैं गोला बना के कि फट तो नहीं रहा है। अब नहीं फट रहा है, एकदम अच्छा बना है। देखिए सबसे पहले हम लोग चाशनी की तैयारी करते हैं। चीनी को डालते हैं भगोने में और उसमें पानी डालेंगे, पानी डालेंगे बड़े कप से, और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये जब तक पक रहा है तब तक हम लोग सारे गोले बना लेते हैं। और देखिए, और हम लोग गोले बनाएंगे, और देखिए चीनी और पिस्ता को मैंने मिक्स कर लिया है, बीच में थोड़ा सा डाल देंगे, तब थोड़ा जूसी हो जाएगा हमारा गुलाब जामुन। और बीच में देखिए मैंने थोड़े से चीनी और पिस्ते को डाल दिया है, और इसको हम लोग बंद कर देंगे। और देखिए मैंने गोले बना लिए हैं, और बाकी के भी सारे गोले इसी तरह हमें बना लेना है। और देखिए सारे गुलाब जामुन को मैंने गोले बना लिए हैं, अब हम लोग इसे तलेंगे। हम लोग कढ़ाई में घी डालेंगे, आप चाहें तो रिफाइंड में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमारे घी गर्म हो गए हैं, इसमें हम लोग एक एक करके डालेंगे। और गैस को हाई फ्लेम पे मत रखिएगा, मीडियम स्लो पे रखिएगा। और देखिए मेरे गुलाब जामुन गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इसे हम लोग निकाल लेंगे, बाकी के भी इसी तरह तल लेंगे। और देखिए
हमारा चाशनी तैयार है और ये फूड कलर है। अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा और साथ में केसर भी, अगर नहीं है तो भी चलेगा। और देखिए मैंने पिस्ता, केसर और फूड कलर मिला दिया है और इसमें हम लोग गुलाब जामुन को डालेंगे और उसके बाद थोड़ा सा इसको हम लोग मिक्स कर देंगे और ढक के रखेंगे कि ठंडा ना होने पाए चाशनी में। और देखिए हमारा गुलाब जामुन रेडी है सर्विंग के लिए। और हाँ देखिए मैंने तो गुलाब जामुन बना लिए और आप लोग भी बनाइए इस रक्षाबंधन पे। और हाँ अभी और बहुत सारा जाएगा स्वीट्स, और अभी इसके बाद हम किड्स के लिए कुछ स्पेशल बनाएंगे। और अगर सब्सक्राइब आप नहीं किया हो तो जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।